तो दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करना, और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ने ड्रैगन गॉड जालामा के उन दोनों ही वॉरियर को खत्म कर दिया होता है, जिसके बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा थक चुके होते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं पहले ओमनी लॉर्ड रेंजी को, जो कि अकुमो से कहता है, तो क्या अब तुम तैयार हो अकुमो हमारी लड़ाई के लिए? जो सुनकर तभी अकुमो कहता है, बिल्कुल रेंजी, आ जाओ और आजमा के देख लो कि आखिरकार तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे सैयंस इतने शक्तिशाली हैं कि वो तुम्हारे गार्डियंस को भी बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। जो सुनकर तभी रेंजी हंसते हुए कहता है, अब इन सभी बातों को छोड़ो वकुमो, फिलहाल के लिए तुम्हें मेरा सामना करना है। ये कहने के बाद वो ओमनी लॉर्ड अपनी पावर को अप करता है, वकुमो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो उसके हमले को रोक लेता है, और तभी अकुमो कहता है, चलो भी, मैं अब इन बच्चों वाले खेलों से तंग आ चुका हूँ, शुरुआत से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो रेंजी। ये कहने के बाद अकुमो उस ओमनी गॉड को एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे रेंजी काफी दूर जा गिरता है। ये सभी देखकर डारिया कहता है, तो आखिरकार जिसका हम सभी को इंतजार था, ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, और अब इस मल्टीवर्स का फैसला होगा कि आखिरकार ये सुरक्षित रहेगा या फिर, जिसके ऊपर जेनोसाम भी कहते हैं, तो अंत में ये घड़ी आ ही चुकी है जब इस मल्टीवर्स का फैसला लिखा जाएगा। जिसके ऊपर हम सभी रेंजी और अकुमो को देखते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार हमले करते रहते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के हमले को रोकते भी रहते हैं। और तभी रेंजी अकुमो के ऊपर हमला करते हुए कहता है, अकुमो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, ऐसा ना हो कि तुम मेरे सामने अपनी पूरी ताकत लगाए बिना ही खत्म हो जाओ। हम देखते हैं कि तभी अकुमो काफी जोर से चिल्लाता है, वो अपनी सुपर सीन फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और तभी वो रेंजी के ऊपर एक काफी जोरदार हिट करता है, जिससे रेंजी कुछ कदम पीछे हट जाता है। और तभी अकुमो कहता है, अपनी इस बकवास को बंद करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर बातचीत करने नहीं आया, समझे? ये कहने के बाद अकुमो उसके ऊपर अपना एक काफी बड़ा हमला करता है, लेकिन रेंजी उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि रेंजी अकुमो के पीछे आकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है, जिसे अकुमो नहीं रोक पाता और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है। हम देखते हैं कि रेंजी काफी तेज होता है, इस बार अकुमो उसे देख तक नहीं पा रहा होता। और तभी रेंजी लगातार अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले अकुमो के ऊपर करता रहता है, वो अकुमो को लगातार एक के बाद एक अटैक लगाया जाता है, लेकिन अकुमो सिर्फ कुछ कदम पीछे हटता रहता है। और ये सभी देखकर डारिया कहता है, वाकई में आखिर ये कैसे हो सकता है, ये पहला ओमनी लॉर्ड अकुमो को हिट लगाने में कामयाब हो चुका है। लेकिन तभी हम देखते कि अकुमो अचानक से रेंजी के हमले को पकड़ लेता है, और वो तभी रेंजी को सीधा जमीन पे दे मारता है, जो देखकर वहां पर मुझे सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी ड्रैगन लॉर्ड जालामा भी कहते हैं, रेंजी मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, शुरुआत से अपनी सही ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि अकुमो कोई बच्चा नहीं है। हम देखते हैं कि तभी अकुमो से काफी जोरदार पंच लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेंजी वहां से बचकर निकल जाता है। और तभी वो कहता है, मान गए अकुमो, तुम मेरी तेजी को देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है तुम जानते हो? जिसके ऊपर अकुमो सिर्फ शांत खड़ा होता है। और तभी वो कहता है, इसका मतलब ये है अकुमो कि इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ये कहने के बाद रेंजी वहां से गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो चारों तरफ रेंजी को देखने लगता है, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। हम देखते हैं तभी रेंजी उन बाकी के सैयंस के सामने आकर उन सभी के ऊपर अपना एक हमला करता है, जो देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन अकुमो बीच में आ जाता है और वो उस अटैक को वहां से हटा देता है। और अकुमो कहता है, आखिर भला ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उससे लड़ने से डर रहे हो रेंजी?
हम देखते कि तभी रेंजी हंसते हुए वापस वहाँ से गायब हो जाता है। अकुमो चारों तरफ रेंजी को देखने लगता है, लेकिन इस बार अकुमो उन सभी सैयंस के पास जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी रेंजी अचानक से अकुमो के सामने आकर अकुमो पर एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे अकुमो इस बार चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। और तभी रेंजी कहता है, अरे अरे क्या हुआ अकुमो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम यहाँ पर इस मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए आए हैं, और इस मल्टीवर्स में रहने वाले हर एक शख्स को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, तो तुम उन्हें बचाने के चक्कर में हमारी लड़ाई को मत भूलो, फादर ऑफ सैयन। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, अकुमो तुम लड़ाई में ध्यान दो, इन सभी को कुछ भी नहीं होगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। हम देखते कि तभी अकुमो हंसते हुए खड़ा होता है और वो कहता है, मैं जानता था कि तुम मुझे सामने से चोट नहीं पहुंचा सकते रेंजी, तुम्हें ऐसे ही कायरों के जैसे अपनी घटिया चालें चलनी होगी मुझे चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। अकुमो हंसता रहता है और ये सभी बातें सुनकर रेंजी को गुस्सा आता है, और तभी वो सामने से अकुमो के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन अकुमो इस बार रेंजी के हमले को पकड़ लेता है। और तभी वो रेंजी को एक काफी जोरदार हिट करता है, जिसे रेंजी ब्लॉक कर लेता है। और तभी अकुमो अपने काफी बड़ा हमला रेंजी की तरफ करता है। हम देखते हैं कि तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस धुएं के बीच में से ही रेंजी पलक झपकते अकुमो के सामने पहुंचकर उसे काफी जोरदार हिट करता है, जिसे इस बार अकुमो ब्लॉक करता है। वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने हमले जारी रखते हैं। धीरे धीरे कर उन दोनों की लड़ाई वहां पर शुरू हो जाती है, जिससे आसपास काफी सारे धमाके होने लगते हैं। जितने भी आसपास के प्लैनेट होते हैं पलक झपकते वो सभी राख में बदल रहे होते हैं, और ये सभी देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ज़नोसामा, इन दोनों की ताकत वाकई में काफी ज्यादा है, मैं गोकू और वेजिटा को हील करने की कोशिश करता हूँ, आप इस मल्टीवर्स के प्लैनेट और यूनिवर्स को बचाने में ध्यान दीजिए। हम देखते हैं कि तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा को हील करने लगते हैं। हम सभी देखते हैं कि ज़नोसामा अपनी ताकत को अप करते हैं, वो पूरे मल्टीवर्स के सारे ही 12 यूनिवर्स के ऊपर अपना एक सेफ्टी बैरियर लगा देते हैं। और हम देखते हैं कि अकुमो और रेंजी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे कर हम देखते हैं कि रेंजी अकुमो के ऊपर हावी सा होने लगता है। रेंजी लगातार अपनी तेजी को बढ़ाता रहता है, वो अकुमो के ऊपर अपने एक के बाद एक हमले करता रहता है। अकुमो उन सभी हमलों को सिर्फ ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन तभी रेंजी अकुमो के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि अकुमो कैसे भी करके उस हमले को अवॉइड कर चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी रेंजी उसके सामने आकर अकुमो पर एक काफी जोरदार हिट करता है, जिससे अकुमो इस बार ब्लॉक नहीं कर पाता, वो चोट खाकर थोड़ा सा दूर गिर जाता है। और तभी रेंजी कहता है, क्या हुआ फादर ऑफ सैयन, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? तो बहुत ही जल्दी तुम भी अपने भाइयों और अपने बाकी के सैयन साथियों के पास पहुंच जाओगे। हम देखते हैं कि रेंजी की इस बात को सुनकर यामोशी हैरान होता है और वो कहता है, रुक जाओ, तुम ये सभी बातें अकुमो के सामने नहीं कह सकते। जिसके ऊपर तभी हम देखते हैं कि रेंजी हंसते हुए कहता है, क्यों भला क्या हुआ यामोशी, मैं तो सिर्फ हकीकत बता रहा हूं, क्या तुम्हें मालूम है अकुमो? खैर तुम्हें तो ये बात मालूम ही होगी, लेकिन क्या इन सभी सैयंस को ये बात मालूम है कि बरसों पहले जिस ओमनी लॉर्ड ने यह फैसला लिया था कि सभी सैयंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, वो फैसला और किसी का नहीं बल्कि उस सैयन ओमनी लॉर्ड का था। हम देखते कि डारियस बात को सुनकर हैरान होता है, और साथ ही में वो सारे सैयन भी। धीरे धीरे कर गोकू और वेजिटा को भी होश आने लगता है, और तभी रेंजी कहता है, हे क्या तुम अभी भी खड़े नहीं हो पा रहे हो अकुमो? हम देखते कि अकुमो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और तभी अकुमो कहता है, चुप हो जाओ, अपनी ये बकवास बंद कर दो, मैं इन सभी बातों के बारे में जानता हूं, तो इन्हें दोहराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये कहने के बाद अकुमो अपना एक हमला करता है।
रेंजी के ऊपर, लेकिन रेंजी उस हमले को वापस से अवॉइड कर लेता है और तभी वो कहता है, सभी सैयंस मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो ओमनी लॉर्ड सैयन जिसने ये फैसला लिया था कि इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर से सभी सैयंस हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाए, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा पहला सुपर सैयन गॉड यामोशी था। हम देखते हैं कि रेंजी की इस बात को सुनकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स हैरान होता है, कागुया, ब्रूली और वहां पर मौजूद हर एक शख्स, यहां तक कि कंबर भी। गोकू वेजिटा को भी होश आ चुका होता है, वो भी इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी हम सभी ब्रूली को देखते हैं जो कि कहता है, क्या आखिर ये पहला ओमनी लॉर्ड भला क्या कह रहा है, क्या ये सारी बातें सच है? सुपर सैयन गॉड यामोशी, जिसके ऊपर यामोशी कुछ भी नहीं बोलता, वो एकदम शांत खड़ा होता है। और तभी कागुया भी कहता है, मुझे इस बात के बारे में मालूम था पिताजी, लेकिन मुझे पूरी तरीके से यकीन नहीं था। तो वो आप ही थे जिसने वो फैसला लिया था कि सभी सैयंस को खत्म हो जाना चाहिए, जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, तुम सभी लोग एकदम चुप हो जाओ, तुम इसके भड़कावे में नहीं आ सकते। माना कि ये सारी बातें सच है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण था। ये सभी सुनकर वो सारे ही सैयन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वेजिटा कहता है, वाकई में क्या ये सच है? पहले सुपर सैयन गॉड, क्या आपका ही ये फैसला था? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, वाकई में मुझे इन सभी बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता। इतनी देर से आप हमारे इस मल्टीवर्स को सुरक्षित करने के लिए हमारा साथ जरूर दे रहे हो यामोशी, लेकिन उन सभी सैयंस को खत्म करने के पीछे आपका ही हाथ था, और आप भी एक ओमनी लॉर्ड रह चुके हो। जिसके ऊपर यामोशी कुछ भी नहीं बोलता, वो एकदम शांत खड़ा होता है। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, मेरी इस बात को ध्यान से सुनो, यामोशी का वो फैसला किसी कारण की वजह से था, और यामोशी के उस फैसले ने ही हमारे इस मल्टीवर्स को बरसों पहले सुरक्षित किया था। तो तुम सभी लोग चुप हो जाओ अगर तुम्हें इसके पीछे का कारण नहीं पता तो। जिसके ऊपर तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि इस समय पर रेंजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में होता है। और तभी रेंजी कहता है, अकुमो तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे भाई की मौत के पीछे का कारण भी तुम्हारा ही एक सैयन था। ये सुनने के बाद अकुमो एकदम शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि अकुमो तभी कहता है, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? जिसके ऊपर तभी रेंजी सिर्फ हंसने लगता है और वो कहता है, तुमने एकदम सही सुना, बरसों पहले जो तुम्हारे भाई ने तुमसे वादा किया था अकुमो, उसके पीछे कोई और ही था, और तुम्हारे भाई का खत्म होने का कारण भी एक सैयन था। अकुमो रेंजी की इन सारी बातों को सुनकर एकदम शांत हो जाता है। और तभी हम देखते कि रेंजी इस मौके का फायदा उठाकर अकुमो पर एक काफी जोरदार हिट करता है, जिससे अकुमो काफी दूर जा गिरता है। हम देखते हैं कि तभी रेंजी इस मौके का फायदा उठाते हुए लगातार अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले अकुमो के ऊपर करने लगता है, जिससे धीरे धीरे कर वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। अकुमो लगातार रेंजी से पिटता रहता है, वो उसके एक भी हमले का जवाब नहीं देता। और तभी रेंजी कहता है, जिस तरीके से तुम्हारा भाई और तुम्हारे सैयन साथी खत्म हुए थे अकुमो, उसी तरह आज तुम भी खत्म हो जाओगे। ये कहने के बाद रेंजी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है, और तभी वो अपना एक काफी बड़ा अटैक करता है अकुमो की तरफ। हम देखते कि अकुमो उस हमले को अवॉइड नहीं करता, वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है, वो अटैक सीधा अकुमो से जा टकराता है। ये सभी देखकर यामोशी कहता है, नहीं अकुमो, आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो? जिसके ऊपर डारिया भी कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, ये ओमनी लॉर्ड अपनी घटिया चाल चलने से कभी भी बाज नहीं आएंगे। जिसके ऊपर तभी रेंजी काफी जोर जोर से हंसने लगता है, और तभी वो कहता है, तो आखिरकार फादर ऑफ सैयन का खेल तो अब खत्म हुआ, और अब तुम्हारी बारी है सुपर सैयन गॉड यामोशी।
लेकिन तभी उस ओमनीलॉट को एक काफी जोरदार पंच लगता है, जिससे वो ओमनीलॉट चोट खाकर काफी दूर गिरता है। और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुम भला ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम इतनी आसानी से मुझे यानी अकुमो को खत्म कर दोगे। जो कुछ भी इस समय तुमने बोला है मेरे भाई और मेरे सैयन साथियों के बारे में और यामोशी के बारे में, तुम उसके लिए काफी ज्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं।